इंटरेस्टिंग और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद अलीगढ़ में खेल प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। तिरंगा झंडा लहराकर देश के खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। वहीं अचल स्थित खेल प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की, बोले वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच खेला गया। मैच भारत की पाकिस्तान का था तो कोई खेल प्रेमी देखे बिना कैसे रह सकता है। ये हाल भारत पाकिस्तान के मैच का रहा। कोई मोबाइल ऐप तो कोई टीवी पर मैच देखने में लगा रहा। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही पर 38 गेंदों पर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 191 रन पाकिस्तान की पूरी टीम बना पाई। कम स्कोर को लेकर अलीगढ़ खेल प्रेमी उत्साहित रहे कि पाकिस्तान को करारी हार मिलेगी। भारत की ओर से जब शुभम गिल की वापसी हुई तो दर्शक रोमांचित हो गए। 4 से खाता खोलने के बाद गिल अधिक देर तक नहीं रुके, पारी को रोहित और विराट कोहली ने संभाला। रोहित के हर छक्के पर इंडिया की जय जयकार होती रही। भारत पाकिस्तान का मैच और क्रिकेट प्रेमी टीवी के आगे से हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। शनिवार को भी यही माहौल देखने को मिला। चौराहा और चाय की दुकानों पर लोग टीवी के सामने जमे नजर आए। आखिरी के ओवरों में लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही भारतीय टीम जीती लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने दावा किया है कि इस बार भारत ही विश्व कप जीतेगा और एक बार फिर भारतीय टीम इतिहास रचेगी। सुमन सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। देखिए सबसे ज्यादा हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि 8 बार पाकिस्तान से मैच हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें सर्वप्रथम हमारी पाकिस्तान से जब भिड़ंत हुई है इंडिया की क्रिकेट खिलाड़ियों की, हमारे शेरों की, उसमें 8 बार हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जीत हुई है। मैं उन शेरों के लिए प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि वास्तव में अगर खिलाड़ी हो तो हमारे इंडिया जैसे खिलाड़ी हो। आज आपने क्या किया यहाँ डेलीगेट? यहाँ पर जब पाकिस्तान से जीत करके, भारी 7 विकेट से जीत करके हमारी भारतीय टीम आई है तो उसके लिए आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे छूट रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है और मिठाई बांटी जा रही है।